तो अभी हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस के फेमस सीरियल सीरियल गुम है किसी के प्यार में के बारे में। वेल दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि सीरियल गुम है किसी के प्यार में सभी निर्दोष साबित हो गई है। सभी पे लगे जितने भी इल्ज़ाम हैं वो भी हट गए हैं। सभी को जो 5 साल तक के लिए बैन किया गया था वो भी अब हट चुका है। खुद राव साहब ने कहा है कि उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट की जाएगी जिससे कि सभी अपनी परीक्षा दे सके। सभी बेहद खुश है क्योंकि उसका सपना पूरा होगा, वो एग्ज़ाम देगी, उसके बाद ही वो IAS का प्रीलिम क्लियर करेगी। लेकिन यहाँ पर अब सभी का साथ किसने दिया है अब सोच भी नहीं सकते। दरअसल सभी का साथ चिन्मय ने दिया है और उसने ईशान की बहुत फटकार लगाई है। उसने ईशान को बहुत डांटा है कि आखिरकार तुमने कैसे नहीं समझा कि सभी ऐसे काम कर ही नहीं सकती। तू तो सभी के साथ इतने दिनों से था, तुम्हें तो हर चीज़ का अंदाज़ा था ना कि सभी कैसी है, सभी अच्छी है या सभी बुरी है, सभी क्या कर सकती है, सभी क्या अच्छा कर सकती है, सभी क्या बुरा कर सकती है। तुझे तो हर चीज़ के बारे में जानकारी थी ना ईशान, फिर तुमने कैसे नहीं समझा कितना घटिया काम सभी तो कभी कर ही नहीं सकती है। जी हाँ, अब जो है अब क्या होता है कि आपको हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं कि दरअसल कॉलेज में जब वाइस चांसलर सभी को बेकसूर साबित कर देते हैं, उसके बाद ईशान खुद जो कॉलेज में बेल बजता है वो बेल लेकर चारों तरफ घूमता है और ये कहता है कि और सभी के हाथ में एक पैम्फलेट पकड़ा देता है जिसपे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते और मैं निर्दोष हूँ, ये मैंने साबित कर दिया। जी हाँ, ये बातें लिखा हुआ रहता है। उसके बाद वो उस पैम्फलेट को लेकर सभी पूरे कॉलेज परिसर में घूमती है। जी इधर क्या होता है कि जैसे ही अब देखता है चिन्मय, तो चिन्मय भी सबको ये बताता है कि देखिए सभी तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। सबके सामने चिन्मय कहता है कि सभी बहुत ही नेक दिल इंसान है, बहुत ही निर्भीक, हर चीज़ को खुलकर कहने वाली लड़की है। अगर उसे कुछ करना होता है तो सामने करती, कभी चोरी छिपे वो कोई काम करती ही नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि अब चिन्मय यहाँ ईशान को भी कहता है कि लड़कियाँ तुमने जो किया वो बिल्कुल भी सही नहीं किया, ये इतनी अच्छी लड़की सभी, सभी को तुमने क्या नहीं कहा, हम तुम्हें बार बार समझाते हैं कि सभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी और सभी को न जाने तुमने क्या क्या सुना दिया। उसके बाद अब ईशान जो है सच में वो सोच रहा है कि मैंने सभी को क्या क्या कह दिया। आपको क्या लग रहा है क्या चिन्मय की बातों का ईशान पर असर होगा? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।